ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठेभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री भट्टिकेर स्वामी कृत मूलाचार्य ग्रंथ। थोड़ी आवाज बढ़ सकती है? देखो भैया, एक पर आचार्य श्री वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कृति का। अब ठीक है? अभी भी नहीं। विषय क्रमशः चलते हुए इसके सातवें अधिकार षडावश्यक अधिकार के अंतर्गत छह आवश्यक कर्मों की चर्चा संपन्न होने के बाद उन संबंधी चूलिका पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। इसमें आवास मतलब निवास, तो निवास को लेकर के चार अर्थ प्रस्तुत किए कि जो पूर्णतया अपने में निवास करते उनके आवश्यक की परिपूर्णता हो गई, जो कुछ कम स्थिर रह पाते उनकी अभी अपूर्णता है, जो बाहर में स्थित हैं वे तो वास्तव में कर्मों में ही स्थित हैं, इसलिए उनके तो संसार ही बढ़ रहा है, और जो इंद्रिय विषय कषायों में लीने हैं वे भी बाहर ही स्थित हैं, उनके भी संसार बढ़ रहा है। जिनके अपूर्णता है उनके कदाचित स्वर्ग आदि की प्राप्ति, और जिनके पूर्णता हो गई उनके मोक्ष की प्राप्ति, यह फल यहाँ बताया है। अब आज पेज नंबर 497 पर आवश्यक करने की विधि यानी 688 में ही गाथा, यहाँ से अपना प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। पढ़िएगा शकुन बहन जी। इंद्रम सर्वेभ शुद्धो दव्ये खेते अमुक्त कालम् माहे की था है यथुत यमुत कालम् करने की विधि बता दें। मन वचन काल से सर्व शुद्ध द्रव्य क्षेत्र में और आगम कथित काल में मौन पूर्वक निराकुल चित्त होकर नित्य ही आवश्यकों को करें। मन वचन काल से सर्वथा शुद्ध की मुनि द्रव्य के विषय में क्षेत्र के विषय में तथा आरंभ में कहे गए काल में निराकुल चित्त होकर नित्य ही मौन को मौन पूर्वक आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान करें। ये विधि हो गई। मन वचन काय से सर्वथा शुद्ध, मन में कोई पर पदार्थ संबंधी इंद्रिय विषय कषाय संबंधी संकल्प विकल्प नहीं,
वचनों से किन्हीं से भी बात करने का परिणाम नहीं। काय से कुछ भी हलन चलन करने रूप क्रिया नहीं। इस तरह इन तीन से विशुद्ध हुए। द्रव्य में स्वयं द्रव्य, इसमें है शुद्धता। क्षेत्र में जहाँ बैठकर अथवा जहाँ खड़े होकर कर रहे हो क्षेत्र। काल में जिस समय का उत्सर्ग कर रहे उस काल में। और भावों की चर्चा तो मन वचन काय से सर्वथा शुद्धि में ही हो गई। तो इन सब में निराकुल चित्त होकर अनावश्यक संकल्प विकल्प उठाए बिना वस्तु स्वरूप के आधार से निर्णय करके प्रत्येक वस्तु मात्र का स्वभाव एकत्व विभक्त स्वभावी अपने आप में पूर्णतया भिन्न पर से पूर्णतया भिन्न, इसलिए कहीं भी आदान प्रदान के लिए कोई अवसर नहीं। कोई किसी का कुछ भी भला बुरा करने में समर्थ नहीं। तो किससे बोलें बिगाड़ें? जो दिखता है वह सुनता नहीं, जो सुनता है वह दिखता नहीं, तो किससे बोलें? और शरीर ये तो स्वयं कारागृह है, अपने अपराधों का फल भोगने के लिए मिला है, तो क्या इसका हलन चलन करें? और इन सब से होना भी क्या है? कोई सी भी परोन्मुखी वृत्ति कभी भी सुखदायी तो होने वाली है नहीं, हमेशा आकुलतामय और पाप बंद के कारण, कर्म बंद के कारण ही होगी। और हम तो मोक्षार्थी हैं, छूटना चाह रहे इत्यादि चिंतन के बल पर सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर मौन पूर्वक आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान करें। आवश्यक क्रियाएं जो भी अवनति शिरोन्नति आवर्त करने हैं, तो वे सब मौन पूर्वक अनावश्यक बोलचाल नहीं। अब इसके बाद पहले जो 13 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा आचार्य ने की थी, उसमें आशिका और निषिद्धिका ये चर्चा आई थी, अब उसे स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िएगा मंजू बहन जी। देखो भैया क्या कह रहे। हाँ जी, कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए ज्योति बहन जी पढ़िए। आवाज आ रही है? हाँ जी। आ
आशंका और निषिद्धि का क्या लक्षण है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, जो नियमित आत्मा है उसके भाव से निषिद्धि का होती है, और जो अनियंत्रित है उसकी निषिद्धि का शब्द मात्र होता है। निषिद्धा कहीं पढ़ा सुना, निषिद्धा कहाँ? 22 परिसर में। हाँ, क्या अर्थ होता उसका? अपनी निषिद्धा आसन, आसन नहीं होना, मतलब आसन नहीं होना। निषिद्धा का अर्थ क्या? तीनाति चर्या शय्या निषद्धा, इन तीन में से एक समय में एक। चर्या मतलब चलना, शय्या यानी सोना, निषद्धा यानी बैठना। यहाँ उसी से संबंध है कि जो नियमित आत्मा है यानी आत्मा में बैठा है, अपने स्वरूप में स्थिर है, उसके भाव से निषिद्धिका होती है। निषिद्धिका यानी आत्म स्थिरता, ये एक अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ, जो अनियंत्रित है उसके निषिद्धिका शब्द मात्र होता, यानी आत्मा में स्थिरता है ही नहीं, उच्छृंखल प्रवृत्ति। तो वो भले कह देवे निस्सही निस्सही निस्सही, पर हुई कहाँ है निस्सही? ऐसा अपन ने मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही 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 कहा। कहने का उद्देश्य क्या था? सर्व सांसारिक कार्यों का त्याग, कि किसी भी सांसारिक कार्य में किसी भी अपेक्षा से प्रवृत्ति नहीं करेंगे नहीं। और फिर मंदिर जी पहुँचते साथ ही घर गृहस्थी की बातें होने लगी। यहाँ तक स्थिति बन जाए कि सारे समाचार मंदिर जी जाने से ही प्राप्त हों, और पूछा जाए आपने बात सुनी, आपको इस संदर्भ में कुछ पता कि नहीं साहब? क्यों? क्योंकि 4-5 दिन से मंदिर ही नहीं गए, यानी मानो समाचार ज्ञात करने का स्थान यानी मंदिर, और जबकि निस्सही 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 कह के प्रवेश किया था, तो यहाँ कह रहे उसकी ये निषेध का तो शब्द मात्र हुई, मुँह से उच्चारण कर लिया, क्रियान्वयन तो रंच मात्र नहीं। तो वास्तविक निषेध का किसके? कि जो आत्मस्थिर हुआ है उसके। हाँ जी, ठीक है। इसमें अपनी आत्मा के परिणाम को बांधा हुआ है, वह निषिद्धात्मा है, अर्थात इंद्रिय कषाय और चित्त आदि परिणाम का निग्रह किया हुआ है। निषिद्धात्मा अर्थात सर्वथा जिनकी नियमित अर्थात नियंत्रित मति है, ऐसे मुनि निषिद्धात्मा है। ऐसे मुनि के भाव से निषिद्धिका होती है, किंतु जो अनिषिद्ध है, स्वेच्छा से प्रवृत्ति करने वाले हैं, जिनका चित्त चंचल है, अर्थात जो कसाय के वशीभूत हो रहे हैं, उनके
निषिद्धि का शब्द केवल शब्द मात्र ही है। उसको स्पष्ट किया कि अपने परिणामों को आत्मा से बांध लिया, यानी आत्मस्थिर है, मतलब इंद्रिय कषाय और मन आदि के परिणामों का निग्रह किया है, पूर्णतया नियंत्रित बुद्धि हमारी मति व्यवस्थित हो गई है। कहाँ आया ये बाक? किन्हीं को याद आ रहा है? अहो, ऐसा मोक्ष मार्ग है। यदि ऐसा है तो अब हमारी मति व्यवस्थित हो गई है। जिनेन्द्र भगवंतों को नमस्कार हो। कहाँ आया बक? मोक्ष मार्ग प्रकाशित। कहाँ? कहाँ? नियम सार जी में। कहाँ? वो नहीं ध्यान है पर उस ग्रंथ में है। नहीं, और कोई? प्रवचन सार जी में देखिए, लगभग 85 गाथा होना चाहिए। देखो भैया, 84 या 85 गाथा के आसपास होना चाहिए टीका में। जहाँ ये कहा जिन नमोत्थु जिनिंदो गाथा में, तो यदि ऐसा है तो मोक्ष मार्ग पा लिया, अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई, जिनेन्द्र भगवंतों को नमस्कार। 82 से 85 के बीच में देखिए, शायद अंक आगे पीछे भी हो सकते। 82 से 85 के बीच में कोई अंक है? किनको मिला? यहाँ से उठाना भैया प्रभुजन। हाँ जी, मिल गया, रहने दे। ज्योति बहन जी, अनम्यूट करिएगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ूं क्या दीदी? पहले ये पंक्तियां पढ़ लीजिए, इसके बाद आखिरी की लाइन में आइए। अधिक प्रलाप से बस को मेरी व्यवस्थित हो गई है, भगवत को नमस्कार हो। कौन की गाथा? ये 82 गाथा प्रभुचंद सार जी के ही 82 गाथा। अब पढ़िए पूरा पैराग्राफ। अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एक प्रकार से कर्मांशों पुस्तक के अंदर ज्ञानावरणादि कर्म भेदों का क्षय स्वयं अनुभव करके तथा परमाप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अपने मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका कर्म क्षय का उपदेश देकर निःश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है ऐसा निश्चित होता है। अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, भगवंतों को नमस्कार हो। ये ने सुखी होने का मात्र एक ही उपाय है।
जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो मेरा सबको नमस्कार। ये इसी की छाया कहाँ की पंक्ति है? नहीं, 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 जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार। नहीं, महावीर भगवान की पूजन निकालिए। महावीर पूजन की धन्य छोटे दादाजी कृत, महावीर पूजन की जयमाला की ये पंक्तियाँ, ये पूर्णतया इस टीका की ही भावाभिव्यक्ति। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। मिल गया नहीं मिला? पढ़िए थोड़े से ऊपर से पढ़िए। अनुराधा बहन जी से पढ़ो दीदी, थोड़े से एक पद ऊपर। मैं इसलिए पढ़वाना चाह रही कि पता लगे कि वास्तव में मिला है। वे हाँ। पहचाने अपना स्वभाव, वे करे मोहरी का अभाव, वे प्रकट करे निज पर विवेक, वे ध्यावे निज शुद्धात्म एक, निज आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करे छीण, उनको हो जावे छीण राग, उनको की उनका, उनको की उनका, उनका हो जावे छीण राग। यहाँ देख करके भी गलत पढ़ रहे तो मौखिक में क्या होता होगा? इसका मतलब अर्थ समझ के नहीं पढ़ रहे। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। ये तो ये इन्हीं पंक्तियों की ही भावाभिव्यक्ति। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जिनका ये निर्णय है कि बाहर में कहीं कुछ करने के लिए अवसर नहीं, कहीं से कुछ मिलना जुलना नहीं है, उनकी मति नियंत्रित हो गई, नियंत्रित एक सीमा में, यानी मति व्यवस्थित हो गई, इसलिए वे निषिद्धात्मा हैं। उनका ही निस्सही निस्सही कहना ये उचित है, ये उपयोगी है। और जिनकी मति व्यवस्थित नहीं हुई, अभी बहिर्लक्षी वृत्ति में ही उलझे हुए, उनका तो कहना बस शब्द बोलना है, भावों में तो रंच मात्र नहीं उतरा। तो इस तरह निषिद्धि का यानी अपने स्वरूप में स्थिरता, बाह्य सब ओर से विषय कषाय की प्रवृत्ति से अपने भावों को पूर्णतया हटा लेना, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लेना, नियंत्रित कर लेना, ये निषिद्धि का मूल अर्थ। और बाकी जो व्यंतरों आदि से आज्ञा लेना, वो तो कभी कभी
यानी कभी गुफाओं आदि में रुकना है, लघु शंका दीर्घ शंका का प्रसंग, तो वहाँ उस अर्थ में भी, बाकी हमेशा उस अर्थ की तो आवश्यकता नहीं, पर स्वरूप स्थिरता वाला अर्थ सांसारिक सभी कार्यों से उपयोग को हटा लेना, ये वाला अर्थ ये हमेशा विद्यमान, यानी ये व्यापक अर्थ, ये निषिद्धिका का अर्थ। और जो इस रूप परिवर्तन नहीं करते वे तो बस तोतरटंत करते, यानी मुँह से बोल लिया और प्रवृत्ति वही विषय का शाय रूप। अपन लोगों को भी इस पर विशेष रूप में विचार करना चाहिए। जब से ये आवश्यक अधिकार प्रारंभ हुआ तब से कई बार इस बात को दोहरा चुकी कि चूंकि आवश्यक तो सभी के हैं, गृहस्थों के भी मुनिराजों के भी, तो सावधानी अकेली मुनिराज ही रखें ऐसा थोड़ी ही है, गृहस्थ भी रखें, तो ये निषिद्धिका वाला भी ऐसा ही देखे। संकल्प लेकर जाना चाहिए कि मंदिर जी को निकले हैं तो जब तक मंदिर जी से वापस नहीं आ जाते तब तक विषय कषाय की बातों के लिए बिल्कुल मौन। स्वयं तो किसी से कुछ बोलेंगे ही नहीं, दूसरों को कुछ बताएंगे ही नहीं, और यदि कोई दूसरा बता रहा तो सुनी अनसुनी कर देंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, यानी अपना उपेक्षा भाव सामने वाले को ख्याल में आ जाना चाहिए, जिससे कि पुनः फिर बात करने का विकल्प ही ना उठे उसे, इस तरह का उपेक्षा भाव रहे। तब तो निश्चय बोलना उपयोगी, और सारी दुनियादारी की खबर पाने का स्थान मंदिर बना लेना तो इसी भाषा में आएंगे कि वे तो शब्दों में कह देते हैं निश्चय, पर भाव उनके में रंच मात्र नहीं। हाँ जी, आगे पढ़िएगा, मंजू बहन जी का बीच में गड़बड़ हो गया था तो आप ही पढ़िएगा। आप जी अनुष्टुप अनुष्टुप में आज्ञा हो विभाग दो आसाए अभिवित मुक्त सद्यो भवति केवलम्। आशिका का अर्थ कहते हैं गाठार, आशा से रहित मुनि के भाव से आशिका होती है, किंतु आशा से सहित के शब्द मात्र सहित के शब्द मात्र होती है। आचार्य की कांचना से जो विभिन्न प्रकार से मुक्त है अर्थात छूट चुके हैं उनके परमार्थ से आस्था होती है, किंतु जो आशा से मुक्त नहीं हुए हैं उनके आशिका करना केवल शब्द मात्र ही है। आशा, रुकिए, आशा, इच्छा, चाह, अभिलाषा, कामना, तो इनसे रहित हूँ तो स्वरूप स्थिरता हो पाएगी। और यदि कोई भी आशा आकांक्षा चल रही तो फिर आशिका नहीं हो पाएगी। वो जो व्यंत्रों आदि को सूचित करना ये तो कभी कभी, ये प्रसंग हमेशा तो बनना नहीं,
पर स्वरूप स्थिरता वाला आसिका आस धातु से बना, आस धातु बैठने के अर्थ में आती, उससे ही आसन बनता। तो स्वरूप में बैठ जाना कब हो पाएगा? जिन्हें वो जो चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवा है, जिन्हें कछु ना चाहिए बेनर साहन साह। अथवा जो आशा के दास हैं बे सब जग के दास, आशा जिनके नहीं है बे ही मात्र उदास। इन्हें कोई भी एक इच्छा हो गई हो तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए किस किस की गुलामी नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए वहाँ लिखा कि जो आशा के दास हैं वे सब जग के दास, यानी वे तो सारे जगत की नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे, उनकी गुलामी करने को तैयार हो जाएंगे। और जिनके आशा नहीं रही, एकमात्र उदास तो वे हैं, वे जगन्नाथ बन पाएंगे, वे तीन लोक के नाथ बन पाएंगे। यहाँ भी वही अर्थ कि जिनके कोई आशा नहीं, बंद हो गए भैया। आवाज जा रही क्या? क्या चक्कर क्या है? वो दीदी ये रिचार्ज नहीं करवाई आएगी। अब रिचार्ज हुई है, 24 घंटे लगेंगे इसे। और चालू हो गई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आवाज जा रही? हाँ। तो जिनके किसी भी प्रकार की आशा है, इच्छा है, उनके आसिका शब्द कहना यह है शब्द कथन मात्र, उसका कोई उपयोग नहीं। और जो आशा से मुक्त हैं होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो इस तरह से जो आशा से रहते हैं वे ही आसिका कर पाएंगे, यानी स्वरूप में स्थिर वे ही हो पाएंगे, अन्य कोई नहीं। बताना ये चाह रहे हैं सारे प्रकरण में कि वास्तव में यदि आत्म कल्याण करना है तो निवृत्ति लो, पर की ओर से अपने उपयोग को समेटो। दोनों काम नहीं सद सकते, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने विषय भोग अरु मोक्ष भी जाने। दोनों एक साथ सदने वाले नहीं। पर से पूर्णतया उदास हो और अपने ही अनुभव के बल पर, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। इसके बल पर होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण सुता सिद्ध आत्म शरण में आया।
उत्कृष्ट उदासीनता पर से उत्कृष्टतम विरक्ति उसके ही आसिका निशिका यथार्थ होती, बाकी के तो शब्द मात्र कथन मात्र है। हाँ जी, अब आगे पढ़ेंगे अनुराधा बहन जी। आचार वृत्ति तो हो गई और आगे भी इसके ऊपर टीका है। यहाँ पर आसिका और निषद्धिका का निरूपण किस लिए किया है? यहाँ पर आसिका और निषिद्धिका का निरूपण किस लिए किया? 13 प्रकार के करण में इनको लिया गया है। करण मतलब क्रिया। पहले जो 13 प्रकार की क्रिया आई थी, याद है कि भूल गए? बोलिए सुजाता भाभी जी। 13 प्रकार की क्रियाएं। तिलकमणि भाभी जी, स्नेहलता बहन जी, तीन बार आ चुकी हैं। एक प्रकार तो यही था, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन मुक्ति। एक दूसरा प्रकार और था, क्योंकि इन्होंने जो याद किया, जिसके लिए याद किया, वह प्रकार। पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति में तो नहीं है ये। ज्योति बहन जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिएगा जी। पंच महाव्रत, पंच नमस्कार मंत्र, 6 आवश्यक और आसरी और निस्सरी, ये दो तरह से आई थी। इनमें वो है आसिका और निषिद्धिका आया, ये इशारा इनकी ओर। अब याद रखना, आज चौथी बार आया है। हाँ जी, आगे। इसलिए 13 प्रकार के करण में इनको लिया गया है, इसलिए यहाँ पर इनका निरूपण करना जरूरी था। जिस प्रकार से यहाँ पर पंच नमस्कार का निरूपण किया गया है और 6 आवश्यक क्रियाओं का निरूपण किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का भी अधिकार है, इसलिए नाम के स्थान में इनका निरूपण किया है। हाँ, 13 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा की तो पंच नमस्कार की भी की, 6 आवश्यकों की भी की, तो ये तो 11 हुए, क्रियाएं तो 13 थी, तो उनमें आसिका और निषिद्धिका, तो इस संदर्भ में इनकी चर्चा। हाँ जी, इसके साथ करण शब्द से 13 प्रकार की क्रियाएं ली जाती है। 5 परमेष्टि को नमस्कार, 6 आवश्यक क्रिया तथा असरी और मिश्री, ये 13 प्रकार हैं। इस अध्याय में पांचों परमेष्टि का वर्णन किया है। 6 आवश्यक क्रियाओं की तो प्रमुखता है ही, अतः किसी अधिकार में आसिका और निषिद्धिका का वर्णन भी आवश्यक ही था। यहाँ पर दो गाथाओं में भाव निषिद्धिका और भाव आसिका की सार्थकता बतलाई है। दो गाथाएं मतलब हाँ।
दो गाथा कौन कौन सी? 89 और 90 हाँ 689 और 690। एक घटना सुनाने का भाव तब तब आ जाता जब जब आप लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते। विदेशी दार्शनिक भी और भारतीय दार्शनिक भी इस संदर्भ में एक मत कि जिस देश की अपनी भाषा सुरक्षित नहीं रही, इन्हें जो देश अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रख पाया उसकी संस्कृति कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। व्यापक अर्थ भी ले सकते इसका और संक्षिप्त अर्थ भी। संक्षिप्त अर्थ लें तो भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अपन सभी जो यहाँ बैठे इनकी तो मातृभाषा भी हिंदी। मंजू बहन जी की शायद मराठी होगी, बाकी तो मराठी की कन्नड़ कौन है क्या है? हिंदी है। अच्छा ठीक। तो मातृभाषा भी हिंदी और राष्ट्रभाषा भी हिंदी। अपन अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो नियम से समझना संस्कृति की सुरक्षा नहीं रह पाएगी। और यदि व्यापक अर्थ लें तो अपनी मातृभाषा प्राकृत, जिनवाणी माँ की भाषा प्राकृत है, और कदाचित लें तो संस्कृत। तो प्राकृत संस्कृत भाषा को सुरक्षित नहीं रखा तो अपनी संस्कृति सुरक्षित नहीं रह पाएगी। मेरा तो एक भाव इसमें ये भी चलता, जैसे अपन जय जिनेन्द्र बोलते तो प्राकृत में बोलें जयदु जिनेन्दु। ये जो नववर्ष संबंधी कैलेंडर का भाव यदि बन रहा हो तो उसमें भी इसका उपयोग कर सकते। प्राकृत हिंदी, और चूंकि अंग्रेजी के बिना चल नहीं पा रहा तो प्रमुखता दें प्राकृत को, फिर इसके बाद हिंदी, और फिर इसके बाद अंग्रेजी। और जिनको पता नहीं उनसे भले अपन जय जिनेन्द्र कहें, पर अपन लोगों के बीच में जैसे अभी बात रख ली तो जयदु जिनेन्दु ये प्राकृत, उसका हिंदी होगी जय जिनेन्द्र। अपनी मातृभाषा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अपनी। अपन ही अन्य की भाषा अपनाएंगे तो अन्य तो वो अपना ही रहे, वो अपन भी अपनाने लगे तो अपनी संस्कृति का संरक्षण कौन कर पाएगा? तो यही कारण कि संस्कृति का पतन हो रहा। जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार। ये भी वही जय जिनेन्द्र का विकल्प है। ये जय का अर्थ जयवंत बरतो, मतलब जयदु। जय ज्ञान नमस्कार नहीं होता,
जय मतलब जय बंत बरतो। तो नमो नमस्कार के अर्थ में और जयदु जयवंत वर्तो के अर्थ में, चूँकि अपन जय जिनेन्द्र बोलते हैं, नमस्कार जिनेन्द्र नहीं बोलते, इसलिए नमो जिनानम के स्थान पर जयदु जिनेन्दु ये ज़्यादा उचित। बहुत गहराई से सोचना, यानी अपन ही अपनी संस्कृति को नष्ट करने की दिशा में सक्रिय होते हैं तो अन्य से क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो हमारी भाषा को सुरक्षित रखे, वो हमारी सभ्यता संस्कृति का गौरव स्वीकार करे। दोनों में छोटे ऊ की मात्रा है, द में जयदु छोटे ऊ की और जिनेन्दु में छोटी ई, जिनेन्दु में जयदु यहाँ छोटा ऊ हाँ। और जिनेन्दु तो जिनेन यहाँ छोटी ई और द में है छोटा वो ऊ अव नहीं ऊ, जयदु जिनेन्दु जिनेन्द्र भगवान है, जयवंत वर्ते यानी जय जिनेन्द्र। सोचना, सोचने के लिए आपको कहा है, अब बाकी तो जो चल रहा वो चल ही रहा, कोई बात में पूछते हैं ना उसमें यही बोलेंगे रोज वासना हाँ, के आखिरी में हाँ। तो बाकी बाध्यता तो किसी की नहीं है, स्वतंत्रता तो सबको है, तथापि इस दृष्टि से भी सोच सकते हैं, सभी दार्शनिक एक मत यदि संस्कृति सुरक्षित रखनी तो अपनी भाषा सुरक्षित रखो तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी। और ये अकेले अपने देशीय दार्शनिक नहीं, विदेशी भी, पाश्चात्य दार्शनिक भी, इसमें एक मत। हाँ जी, संस्कृत में क्या बोलते हैं? जयतु जिनेन्द्रो, ये प्राकृत में या संस्कृत में? प्राकृत में तो जयदु जिनेन्दु, जिनेन्दु नहीं जिनेन्दु, जिनेन्दु जिनेन्दु नहीं की भी छोटी मात्रा है हाँ नहीं। और संस्कृत में जयदु जिनेन्द्रु, जिनेन्द्रु हाँ जिनेन्द्र। हाँ जी पढ़िएगा। और शब्द बोलना केवल शब्द मात्र है ऐसा कहा है, किंतु शब्दोच्चारण की विधि नहीं बतलाई है जो कि अन्यत्र ग्रंथों में कही गई है। अन्यत्र, अन्यत्र ग्रंथों में कही गई है, अनगार धर्मामृत में असली और मिश्री का विवेचन इस प्रकार से है। वसत्यादौ विशेषतस्थम आपृच्छय तस्मानि निर्गच्छेत्तम
निर्गत पर रुकिए। आप प्रत्यय तस्मान निर्गत, आप प्रत्यय तस्मान निर्गत क्षेत्रम जा प्रत्यया सही गिरा। अर्थ वस्ती का जिन मंदिर आदि में प्रवेश करते समय वहां रहने वाले भूत यक्ष आदि को निसही शब्द द्वारा पूछकर प्रवेश करना चाहिए, अर्थात वस्तिका आदि में प्रवेश करते वस्तिका। वस्तिका आदि में प्रवेश करते समय निसही शब्द बोलकर प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश तथा प्रवेश प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश 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 करना चाहिए तथा वहां से बाहर निकलते समय असही शब्द द्वारा पूछकर निकलना चाहिए, अर्थात निकलते समय असही का उच्चारण करके निकलना चाहिए। यानी उन्होंने मात्र जाने आने के संदर्भ में बात की, यहाँ उसका व्यापक रूप प्रस्तुत किया कि जाना आना तो कब कब होना, पर मूल तो 24 घंटे की क्रियाएं, तो स्वरूप स्थिरता, अपने स्वरूप में बैठना, अपने स्वरूप में नियमित रहना, वास्तविक निषिद्धिका और आशिका का अर्थ यह है। और जब कभी आना जाना हो तो उसमें ये वाला भी समझ लेना। अब इसका ही पोषण आचार सार नामक ग्रंथ द्वारा भी कर रहे हैं आचार्य श्री। हाँ जी, पढ़िएगा तिलकमणि भाभी जी। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद। आत्मने आत्मा स्थितो एन एन इन संस्कृत है ना, इसीलिए तो संस्कृत जैसा पढ़िए। आत्मान्या में बढ़िया बढ़िया की मात्रा है। आत्मन्यात्मा सिद्धो एनत् त्यक्त्वा वाशाश सहयौ स्तोन्यस् निस्सहयस् सहयौ स्तोन्यस्। निस्सहयौ स्तोन्यस् से तदुच्चारण मात्रकम्। पढ़िए अर्थ। जिसने अपनी आत्मा को आत्मा में स्थापित किया है और जिसने लोग आदि अभिलाषा को छोड़ दिया है, उसके भाव से अर्थात निश्चय होते हैं। चलता है कि ये शब्द तो बोलने ही चाहिए, उनके भाव आत्मिका भाव निष्ठिका
के अर्थों का भी ध्यान रखना चाहिए। शब्दों उच्चारण तो आवश्यक है, यदि यह भाव सहित है तो संपूर्ण को देने वाला है। भाव शून्य मात्र सत्य किंचित ही फलदायक है ऐसा समझना शब्द रूप निश्चय अक्षय निर्विहार धर्म है और भाव रूप निश्चय अक्षय निश्चय धर्म है। रुकेंगे, कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये व्यंत्रों आदि से आज्ञा लेने अथवा उन्हें सूचना देने के लिए निश्चयी असही शब्द का प्रयोग है वह तो बहुत साधारण, जब वह प्रसंग हो तब के लिए, बाकी 24 घंटे के लिए कि सभी प्रकार की बहिर्लक्षी वृत्ति छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिरता, ये वास्तविक निषिद्धिका और आसिया आसिका। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप के अनुसार देखें तो नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो, अन्य के साथ कोई संबंध ही नहीं, तो संबंध जोड़ने के लिए अवसर कहाँ रहा। इसलिए सारे व्यवहार को तिलांजलि देकर स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ, ये निषिद्धि का आसिका का अर्थ। यहाँ भट्टिकेर स्वामी ने भी इस अर्थ को लिया, टीकाकार वसुनंदी स्वामी ने भी इसी अर्थ को लिया, दूसरा अर्थ भी स्वीकार किया और हिंदी अनुवादिकाकार ने उसकी पुष्टि अनगार धर्मा में से की है। पहला अर्थ आचार सार में भी स्वीकार किया, उससे भी इस कथन की पुष्टि की। मतलब यह है कि स्वरूप लीनता, यह दोनों का अर्थ व्यापक, और जब कभी कहीं रुकने आदि का प्रसंग बने तो फिर पूछ करके रुकना, वापस जाओ तो बता करके जाना, यह अर्थ भी स्वीकृत। दोनों ही अर्थ यहाँ स्वीकृत किए गए हैं, अपने को भी दोनों अर्थों को अपने जीवन में उतारने का सतत प्रयास करना चाहिए। यहीं अपन रुकते हैं, अब इसके बाद चूलिका का अर्थ और इस संदर्भ में जो और आवश्यक क्रियाएं भक्ति आदि जिन्हें अपन ने षटखंडागम की वाचना प्रारंभ करने के समय पर 5 दिसंबर 2020 को पढ़ा था, यहाँ उन सब की समग्र प्रक्रिया आचार्य श्री तो नहीं, ये तो अनुवादिका महोदया जी ने दी है, तो समग्र प्रक्रिया यहाँ विस्तार से बताएंगे, फिर से दोहराना हो जाएगा और प्रयास से रहना चाहिए कि ये सब करें, उपेक्षा नहीं। लोक का भी प्रत्येक कार्य एक वातावरण मांगता, देखो जिनको कोई विवेक नहीं होटल आदि पर जाते, कोई अकेला जाना पसंद करता,
अपनी मंडली के साथ, परिवार की मंडली हो, मित्र मंडली हो, क्यों, तब मजा आता, एक वातावरण बनता। सिनेमा जाते तो एक साथ, क्यों, उससे एक वातावरण बनता, मानसिक तैयारी हो जाती। धर्म में तो उसकी और अधिक आवश्यकता कि मानसिक तैयारी हो, तो मानसिक तैयारी हेतु इन सब का यहाँ प्रतिपादन। चलिए अपन यही रुकते हैं, कल परसों सचिंद्र भाई साहब चलाएंगे।